इस वीडियो में बात करेंगे योनो एसबीआई एप्लीकेशन का एम पिन भूल चुके हैं तो किस तरीके से रिकवर करें, यानी कि कैसे पता करें हमारा एम पिन क्या था। इसके अलावा अगर इन फ्यूचर हम लोग एम पिन चेंज करना चाहेंगे तो किस तरीके से कर सकते हैं। वैसे भी आप लोगों को हर 3 या 6 महीने के अंतराल में अपने योनो एसबीआई एप्लीकेशन का एम पिन और साथ ही यूजर आईडी पासवर्ड चेंज कर लेना चाहिए। इससे आपका अकाउंट सिक्योर रहता है और लॉग इन करने में कभी भी कोई समस्या नहीं आती है। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा, मैं स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। सो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग योनो एसबीआई एप्लीकेशन को अपडेट कर लीजिए न्यू वर्जन में, क्योंकि इससे फायदा क्या होता है कि एप्लीकेशन में जो बग होते हैं, जो भी इशू होते हैं, उसको फिक्स कर दिया जाता है। इसके अलावा न्यू फीचर को ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। तो अपडेट कर लीजिएगा, उसके बाद ओपन करना है। ओपन करने के बाद इस तरह का पेज आपके सामने आ जाएगा। एक्चुअली यहाँ पर हम लोग दो तरीकों से लॉगिन करते हैं, एक तो एम पिन डाल करके लॉगिन करते हैं, ठीक है, जो सिंपल प्रोसेस होता है, 6 डिजिट का एम पिन डाल देना है और लॉगिन हो जाना है। इसके अलावा दूसरा तरीका होता है लॉगिन यूजिंग यूजर नेम, इस पर क्लिक करके हम लोग यूजर नेम और पासवर्ड इनपुट करके लॉगिन करते हैं, जो थोड़ा कठिन कार्य होता है। वो इसलिए क्योंकि कई बार हम लोग यूजर आईडी या फिर कई बार हम लोग लॉगिन पासवर्ड भूल जाते हैं। तो अगर आपके केस में इस तरह की समस्या है, आप लोग भी यूजर नेम और पासवर्ड भूल चुके हैं अपने एसबीआई नेट बैंकिंग का और रिकवर करने का प्रोसेस मालूम नहीं है, तो आई बटन में लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच कीजिएगा। पूरी डिटेल में बताया गया है किस तरीके से यूजर आईडी और पासवर्ड को रिकवर कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम बात करेंगे एम पिन के बारे में, यानी कि अगर आप एम पिन भूल गए हैं तो किस तरीके से उसको फॉरगॉट कर सकते हैं, यानी रिकवर कर सकते हैं, और अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं। तो सिंपल देखिए, यहाँ पर मान लीजिए इस पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मैं एम पिन डालूंगा आपके सामने, मैं आपको दिखाता हूँ एम पिन डाल करके, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये बताया गया कि आपका जो एम पिन है वो इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट एम पिन, यू हैव 2 अटेम्प्ट्स रिमेनिंग, ऐसा करके आपको मैसेज रेड कलर में दिखेगा, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है कि हमें एम पिन को रिकवर करना है। उसके लिए देखिए नीचे में एक ऑप्शन है कॉर्नर में, फॉरगॉट एम पिन, इस पर आपको क्लिक करना है, फॉरगॉट एम पिन पर। तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक पॉपअप मैसेज आ जाएगा और यहाँ पर आपको स्टेप बताया गया है किस तरीके से आप अपने एम पिन को रिकवर कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप है, इफ यू हैव फॉरगॉटन योर एम पिन, यू मे रीसेट योर एम पिन बाय लॉगिंग इन यूजिंग यूजर आईएनबी क्रेडेंशियल्स और देन गो टू सेटिंग, सेलेक्ट रिमूव एम पिन इन योर नेक्स्ट लॉगिन, मतलब यहाँ पर स्टेप बताया गया है। और दूसरा है फॉर चेंजिंग एम पिन आफ्टर लॉगिन इन द फ्रॉम द मेन्यू, गो टू सेटिंग्स एंड सेलेक्ट चेंज एम पिन। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि अगर आप लोग अपने योनो एसबीआई ऐप का एम पिन चेंज करना चाहते हैं या फिर रिकवर करना चाहते हैं, तो दोनों ही सिचुएशन में, दोनों ही कंडीशन में आपको सबसे पहले यहाँ पर योनो एसबीआई में लॉग इन करना होगा। अब आप कहेंगे कि हम एम पिन भूल चुके हैं तो कैसे लॉग इन करें। तो भाई एम पिन तो आप भूल चुके हो, बट यहाँ पर लॉग इन यूजिंग यूजर नेम पर क्लिक करके आप यूजर नेम और पासवर्ड इनपुट कर दीजिए, ठीक है। अगर ये भी नहीं पता तो आई बटन में मैंने आपको बता दिया, लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को वॉच करके रिकवर कर लीजिए, उसके बाद लॉग इन कर लीजिए, ठीक है। लॉग इन करने पर इस तरह का यूजर इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन दिखेंगे। एक ऑप्शन दिखेगा नीचे में सर्विस रिक्वेस्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शंस दिखेंगे। एक ऑप्शन यहीं पर दिखेगा सेटिंग्स, इस पर आपको क्लिक करना है सेटिंग्स पर। सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको चेंज एम पिन का ऑप्शन दिख जाएगा, आप यहाँ से एम पिन को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और जो पहले वाला एम पिन था उसको आप रिमूव कर सकते हैं, चूंकि आपको याद नहीं है तो आप रिमूव एम पिन पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर आप अपने इंटरनेट बैंकिंग का प्रोफाइल पासवर्ड इनपुट कर दीजिए। प्रोफाइल पासवर्ड इनपुट करने के बाद यहाँ पर कंफर्म करना है और कंफर्म करते ही इस तरह का मैसेज आ जाएगा, आर यू श्योर यू वांट टू रिमूव एम पिन, ठीक है। तो आपको यस कर देना है, क्योंकि आपको एम पिन पहले वाला याद ही नहीं है, ठीक है ना। तो आप यस कर दीजिए। यस करने के बाद यू हैव सक्सेसफुली रिमूव्ड एम पिन का मैसेज यानी कि ऑप्शन आ जाएगा, आप ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद जो पुराना आपका एम पिन था, अब उसे याद रखना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। अब सिंपल आप क्या कीजिए, सर्विस रिक्वेस्ट पर फिर से क्लिक कीजिए, सेटिंग्स पर क्लिक कीजिए। अब देखिए आपके सामने आ चुका है सेट एम पिन का, चेंज एम पिन भी अब चला गया, क्योंकि आपने पहले वाला पासवर्ड ही रिमूव कर दिया, एम पिन रिमूव कर दिया। अब आ चुका है सेट एम पिन, ठीक है। तो इस पर आप क्लिक कीजिए और जैसे ही सेट एम पिन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर कुछ कंसेंट आएगा, इसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा और उसके बाद नेक्स्ट
नेक्स्ट करने के बाद देखिए आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। अब आपको पुराना एम पिन याद रखना नहीं है, यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है सेट न्यू एम पिन री इंटर न्यू एम पिन। अब आप जो एम पिन रखना चाहते हैं उस एम पिन को यहाँ पर इनपुट कर दीजिए, और एम पिन कैसा होना चाहिए यहाँ पर थोड़ा डिटेल में बताया गया है, इसको भी रीड कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप दोनों बॉक्स में न्यू एम पिन इनपुट कर दीजिए। तो यहाँ पर मैंने दोनों बॉक्स में एम पिन जो कि नया क्रिएट कर लिया है यानी कि इनपुट कर दिया है। अब आपको करना क्या है, सिंपल नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे एक ओटीपी आएगा आपके मोबाइल नंबर पर, उस ओटीपी को इस बॉक्स में फिल कर देना है। जैसा कि देखिए ओटीपी आ चुका है, तो मैं यहाँ पर ओटीपी डाल देता हूँ। तो यहाँ पर आप भी ओटीपी डाल दीजिएगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा प्रोसेस। तो सिंपल ओटीपी डालने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद देखिए कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड योर एम पिन, इस तरीके से आपको मैसेज आ जाएगा और मेल भी आपको आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, ओके कर देना है। अब आपने एम पिन सेट कर लिया न्यू वाला यानी कि रिकवर कर लिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिंपल मैं आपको लॉग आउट करके दिखाता हूँ। लॉग आउट यहाँ से कर लीजिए और मैं एम पिन के थ्रू आपको लॉग इन करके भी दिखाऊंगा। ठीक है ना, अब देखिए इस तरीके से पेज आ चुका है। यहाँ पर एम पिन अपना डाल दीजिए जो नया आपने क्रिएट किया था। तो देखिए यहाँ पर मैंने एम पिन इनपुट कर दिया, लास्ट डिजिट डाल देता हूँ। जैसे ही डालूंगा तो यहाँ पर मैं योनो SBI एप्लीकेशन में लॉग इन कर चुका हूँ। तो इस तरीके से आप आसानी पूर्वक योनो SBI एप्लीकेशन का एम पिन भूल जाते हैं तो रिकवर कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। अगर आपको याद है तो चेंज का ऑप्शन आ जाएगा, और अगर आपको याद नहीं है तो आप रिमूव कर दीजिए एम पिन को, उसके बाद आप सेट कर लीजिए नया एम पिन। सो आई होप फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग आसानी पूर्वक योनो SBI एप्लीकेशन का एम पिन रिकवर कर पाएंगे अगर आप भूल चुके हैं तो, या फिर अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आसानी पूर्वक चेंज कर सकते हैं। इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आप इसी तरह का कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिए, और अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का सवाल है डाउट है तो नीचे कमेंट कर दीजिए।